तीन वर्षीय बहुत बच्ची के साथ हैवान करने वाले वैसी दरिंदे को गुना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए महज 3 घंटे में ही गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि 4 से 5 जुलाई की मध्यरात्रि में जिले के बजरंगर थाना के अंतर्गत एक 3 साल की अबोध बच्ची के साथ अभिनंद की जानकारी एसपी राजीव कुमार मिश्रा को लगी थी। स्वयं बुध रात्रि में तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे एवं घटना में संबंधित जानकारी लेने के बाद पाया कि 3 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार होना पाया गया है, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए जाँच के लिए पुलिस टीम को लगाया गया। गत दिवस जो बीती रात रही, एक सूचना प्राप्त हुई लगभग 2:30 बजे रात को कि बजरंगढ़ थाना क्षेत्र के मंगवार गांव में एक 3 साल की बच्ची के साथ हैवानियत की बलात्कार की घटना घटित हुई है और बच्ची घायल अवस्था में अपनी मां के पास पहुंची है। उसकी माताजी और उसके पिताजी द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। कंट्रोल रूम में सूचना प्राप्त होते ही तत्काल यहां से बल लेकर सभी लोग रवाना हुए। थाना प्रभारी वहां मौजूद थे, उनको वहां भेजा गया। एफआर भी सबसे पहले वहां पहुंच गई थी, जो पीड़ित पक्ष हैं उनके पास में। एक बच्ची 3 साल की लगभग घायल अवस्था में अपनी मां के पास पहुंची थी। वो बता नहीं पा रही थी उसके साथ क्या हुआ है, परंतु उसकी दशा और हालात देख के यह समझ में आ रहा था कि वह बलात्कार की शिकार हुई है। रात को ही 3 बजे तत्काल पूरे गांव में घेराबंदी की गई। सबसे पहले बच्ची को निर्देश दे दिया गया था, सबसे पहले बच्ची को अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में उसका इलाज कराया गया, उसको संभाला गया। बहुत छोटी बच्ची थी, सहमी हुई थी, कुछ नहीं कह पा रही थी। उसको काफ़ी संभाल के उसका इलाज करा के और उसे रखा गया। यहाँ भी डॉक्टरों को अलर्ट कर दिया गया था, उनके द्वारा उसको ट्रीटमेंट दिया गया। इधर आरोपी के लिए उनके माँ बाप को कोई निश्चितता नहीं थी कि कौन है, गांव में कौन हो सकता है। पूरे गांव को कल लगभग 100 घर थे, अलग अलग हमारी पार्टियाँ बनाई गई। वहाँ के स्थानीय जो अच्छे लोग थे, सरपंच वगैरह थे, उनका सहयोग लिया गया। प्रत्येक घर में हमने देखा, प्रत्येक आदमी को हमने ढूंढने का प्रयास किया और उसमें से फिर 4-5 ऐसे संदिग्ध लोग प्रतीत हुए जिन पर डाउट गया, उनको अलग करके फिर उनसे पूछताछ की गई। उनमें से एक ऐसा व्यक्ति निकला जिसने कि स्वीकार किया कि उसके द्वारा ये कृत्य किया गया है। उसका नाम भोला उर्फ पूरन है, जो कि वहीं का निवासी है। और यह आरोपी कुछ सामान लेने के लिए बच्ची के पिता के पास दिन में गया था, जहाँ कि उसका कुछ उनसे वाद विवाद हो गया था सामान लेन देन की बात पर से। उस बात को उसने गांठ बना लिया और रात को 1 बजे बच्ची को उठा के लेके गया गांव के बाहर। उसने बलात्कार किया और बलात्कार करके बच्ची को वापस वहीं छोड़ दिया। इस तरह का उसने घृणित कृत्य किया है। मौके पर घटनास्थल पर सभी साक्ष्य हमको मिले हैं। बच्ची के कपड़े पर भी साक्ष्य मिले हैं, लड़के के कपड़े पर भी मिले हैं। इस तरह के तमाम जो हमारे वैज्ञानिक साक्ष्य होते हैं, हमारी वैज्ञानिक टीम, हमारी टेक्निकल टीम सभी इसमें लगी हुई है। आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 बजे से 5 बजे के बीच में ही 2 घंटे के अंदर सुबह तक आरोपी को ढूंढ कर गिरफ्तार कर लिया गया। वो हमारे पोजिशन में है और उसको गिरफ्तार करके उचित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बच्ची स्वस्थ है, सुरक्षित है, अपने माँ बाप के पास है, उसके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जा रहा है और CVC के समक्ष उसको प्रस्तुत करके काउंसलिंग कराई जाएगी और उसके स्वास्थ्य और मनोदशा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इस तरह की गंभीर वारदात करने वालों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। थाना प्रभारी बजरंगढ़ और उनकी टीम ने इसमें बहुत अच्छा कार्य किया है, सभी को इसमें मेरे द्वारा पुरस्कृत किया जा रहा है। वहीं बच्ची को उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया। पुलिस ने महज 3 घंटे में ही आरोपी पूरन उर्फ भोला परिहार उम्र 20 वर्ष निवासी मंगवार थाना बजरंगढ़ को धर दबोचा। पूछताछ में उसने बच्ची को बिस्तर से उठाकर उसे सिंध नदी किनारे ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करना एवं बच्ची को वहीं छोड़कर भाग जाना स्वीकार किया। वहीं जिले में महिला थाने में आरोपी पर प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। वहीं SP ने मामले को जल्द सुलझाने पर पुलिस टीम को प्रोत्साहित करने की घोषणा भी की है। बुरा से डंपी खान की रिपोर्ट।